18 सितंबर यानी आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। सत्र 5 दिन तक चलेगा, 22 सितंबर तक। 5 दिन के इस विशेष सत्र में तमाम बिल सदन में रखे जा सकते हैं, जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित बिल, अधिवक्ता संशोधन बिल, पोस्ट ऑफिस बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल और महिला आरक्षण बिल। बाकी बिल जैसे जैसे सदन में पेश होते जाएंगे, हम उनके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बात करेंगे उस बिल की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, महिला आरक्षण बिल। विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। महिला आरक्षण की मांग दशकों पुरानी है और इस दिशा में विभिन्न सरकारें प्रयास भी कर चुकी हैं। साल 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पास भी हो गया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। उससे पहले विधेयक को 1998, 1999, 2002 और 2003 में बार बार संसद से पारित कराने के प्रयास हुए थे। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इसी साल 10 मार्च को तेलंगाना के सत्ताधारी दल भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS की नेता के कविता महिला आरक्षण विधेयक मांग को लेकर भूख हड़ताल पर भी बैठी थी। वहीं केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी यानी BJP का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं लोकसभा चुनाव जीतकर सदन में पहुंची हैं, लेकिन यह आधा सच है। दुनिया भर के देशों की राष्ट्रीय संसद से आंकड़े जुटाने वाली एक संस्था है IPU पार्लिने। IPU पार्लिने के मुताबिक महिला सांसदों के प्रतिशत के मामले में भारत की स्थिति ठीक नहीं है। भारत विश्व में 141वें स्थान पर है। इस लिस्ट में 61.3% महिला सांसदों के साथ रवांडा सबसे ऊपर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 82 महिलाएं चुनाव जीतकर संसद पहुंची थीं। लोकसभा की 538 सीटों में से 82 महिलाएं, मतलब कि कुल सांसदों में से महज 15.2%। हाल सिर्फ लोकसभा का नहीं है, IPU पार्लिने के मुताबिक राज्यसभा के 238 निर्वाचित सांसदों में से भी सिर्फ 33 महिलाएं हैं। इस तरह भारतीय संसद के उच्च सदन में भी महिलाओं की भागीदारी है सिर्फ 13.9%। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के 2019 के डेटा के मुताबिक भारत में करीब 91 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से महिला वोटर्स हैं करीब 44 करोड़, यानी 50% से कुछ ही कम। पिछले लोकसभा चुनाव में वोट डालने के मामले में भी महिलाएं पुरुषों से आगे रही थी। आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2019 में 67.02% पुरुष और 67.18% महिलाओं ने मतदान किया था। यानी महिला वोटर तो खूब हैं, लेकिन संसद में उनकी महिला प्रतिनिधि कम है और इसलिए महिला आरक्षण बिल की मांग भी लगातार हो रही है, तेजी से हो रही है।